बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा हैंड एम्ब्रॉयडरी का फ्लावर, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और साथ में बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तीन पत्तियां हमने बनाई हुई हैं। नेक्स्ट को जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको दो कलर के धागे चाहिए, एक रेड और एक येलो। आप अपनी मर्जी से भी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। तो यहां पर हमने रेड और येलो वाला लिया है, तो इसको जो है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को गौर से देखते रहिए। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी की वीडियोस मिलेंगी, जो कि आप जो है वो आराम से बना सकते हैं देखकर। और साथ साथ जो है वो आपको हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी मिलेगा हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क के नाम से। आप वहां पर भी जाकर हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर जो है वो इस वीडियो में आपको ये वाला कम्प्लीट जो है वो इसका लीफ दिखाया जाएगा। और आप इस पहले जो है वो हम रेड कलर यूज करेंगे। तो जो अभी हम रेड कलर यूज कर रहे हैं, इससे हमने कितना काम करना है, आप इसको मुसलसल वीडियो को देखते रहिए गौर से। और आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको अच्छी वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट की वीडियोज भी मिलेंगी और हैंड एम्ब्रॉयडरी की भी। तो यहां पर जो है वो ये आपको आई होप के समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा डिजाइन है और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। तो हमने इसको कहां तक बनाना है, कैसे बनाना है, आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। तो यहां पर ये कंप्लीट हो गया रेड वाला। अब हमने जो है वो येलो वाला धागा डाल लेना है। और ये देखिए यहां से जो है वो येलो वाला स्टार्ट हो जाएगा। और येलो वाले को किस तरह से बनाना है ये भी आप मेरी वीडियो में कंप्लीट देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में ये समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो आगे जो है वो मैंने आपको दोबारा से एक और पत्ती सिर्फ आपके लिए बनाना सिखाई है, ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ सके। ये देखिए आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मुझे जो है वो और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा मोर वीडियोस बनाने का, और भी ज्यादा वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कॉमेंट कर दिया करें। तो आप लोगों को यहां पर ये बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे येलो वाले को। इसके अलावा आपको इस तरह के और भी बहुत सारे फूल मिलेंगे, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं।
तो इसको जो है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, ये कंप्लीट होने वाला है, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। नीचे से अब हम इस धागे को जो है वो कंप्लीटली जो है वो क्रॉस कर देंगे। और अब यहाँ पर हमने बीच में एक पर्ल लगाना है, और पर्ल के आसपास जो है वो हम क्या बनाएंगे, इसके आसपास जो है वो, तो इसके आसपास जो है वो हम सबसे पहले तो हम पर्ल लगा लेंगे। पर्ल लगाने के बाद हमने इसके आसपास फ्रेंच नोट डिजाइन बनाया था, और उसके बाद हमने इसको कम्प्लीटली फिल कर दिया, क्योंकि जो है वो आप इसका पर्ल कोई भी कलर का लगा सकते हैं, इसके धागा भी कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। हमने ब्लू यूज किया है और व्हाइट पर्ल यूज किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मुझे तो ये पसंद आया। आपको कौन सा पसंद आया कलर, आप वही कलर जो है वो इसमें यूज कर लीजिएगा। तो यहां पर ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। और यहां पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये करना है कि मैं आपको जो है वो नेक्स्ट एक और बता रही हूं, अगर किसी को समझ में वो वाला नहीं आया तो वो इस वाले को गौर से देख ले, क्योंकि वो शायद जो है वो थोड़ा सा हिल रहा था, तो इसको आप जो है वो गौर से देख सकते हैं, आसानी के साथ देख सकते हैं। आपको एक एक स्टेप जो है वो इसमें बिल्कुल सही से समझ में आएगा, तो आपके लिए जो है वो एक और पत्ती बनाना सिखाई गई है, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए आसान तरीके से। तो इसकी थोड़ी सी स्पीड तेज है, स्पीड जो है वो अपनी मर्जी से कम भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहां पर इसको जो है वो हम बना लेंगे, बहुत ही जो है वो ये स्पीड में हमने थोड़ा सा चलाया है, आप इसकी स्पीड को कम करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट जो है वो सिखाया जाएगा। तो ये देखिए इसके ऊपर जो येलो कलर का बनाया है वो बताती हूँ आपको। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये फ्लावर बनाना आया या नहीं, आपको कैसा समझ में आया, तो आपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो ये देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब जो है वो इसकी नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसका ये है कि येलो वाले को हमने बनाना है। तो यहां पर जो है वो येलो वाले को बनाएंगे। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नजर आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हमने इसको किस तरह से स्टार्ट किया, किस तरह से कंप्लीट किया। हर स्टेप जो है वो आपने गौर से देखना है वीडियो का। देखिए इस तरह से किया है, ये धागा जो था वो शायद थोड़ा सा उलझ गया था। देखिए अब ऐसे कर, और दूसरी साइड से ऐसे, और अब इसी तरह सा करते जाएंगे जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है वो हमने इसको कंप्लीट बना लेना है। आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को प्रेस करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।